Headlines Today now gives you, the citizen of India, a chance to make your voice heard. It's our platform for your struggles so that you can become the catalyst for change. In Uttar Pradesh, मैं कंकाल हूं या हूं इंसान, कौन करे इसकी पहचान। जिस देश में मुर्दे जिंदा हूं, क्या वो है भारत देश महान। मैं लाल बिहारी मृतक हूं, मृतक संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, जिला आजमगढ़ का रहने वाला हूं। मुझे 1976 में भूराजस्व अभिलेखों में मृत घोषित कर दिया गया था। अपने जिंदा होने के लिए मैं अनेकों संघर्ष किया। बीपी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा, स्वर्गीय राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा, विधानसभा में पर्चा फेंका, वोट क्लब नई दिल्ली पेंशन किया, जिला अधिकारी से झगड़ा किया, तहसीलदार से झगड़ा किया, यहां तक कि मैं धरना प्रदर्शन रैली विचार गोष्ठी करता रहा। मेरे जैसे हजारों इस तरह से जीवित मृतक उत्तर प्रदेश में रहे। आप मुर्दा हैं कि जिंदा हैं? मुर्दा है। तो मुर्दा को गिरफ्तार करने के लिए फोन किया गया कि जिंदा को? मुर्दा। मुकदमा करो, हम लोग नहीं दे पाएंगे न्याय। आजमगढ़ में तहसील चकबंदी में जिंदा मुर्दा करना, ये आज नई बात नहीं है, पुरानी आदत है। जीवित आदमियों को मृत घोषित कर उनकी सारी जमीन जायदाद को हड़प लिया जाता है और उनके अधिकारों को छीन लिया जाता है। हम पंजाब रहते थे, हमारी जमीन जो है हड़प ली गई। तहसीलदार क्या कहते हैं? पीड़ित व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए दर दर कार्यालयों न्यायालयों में भटकता रहता है, लेकिन यहाँ का जिला प्रशासन एक खामोश रहता है। यहाँ का तहसीलदार लोग हमको जीवित नहीं मानता है, मृतक घोषित कर दिया। अच्छा, नकलौर गया मुख्यमंत्री के दरबार में, वहाँ गिरफ्तारी हो गया। गिरफ्तारी को तभी पर हमको जिंदा नहीं मानता है। तो मैं मृतक संघ एक सन 1980 में स्थापना किया। संघ के माध्यम से अपने नाम के साथ मृतक टाइटल जोड़ा और तब से मैं जन न्याय के लिए संघर्ष करता रहा। संघर्ष करते करते 18 वर्ष बीत गए और मजबूर होकर जिला प्रशासन को 1994 में भू राजस्व अभिलेखों में जिंदा कर दिया गया। मृतक संघ सारे संघर्षों के साथ अहिंसा पूर्वक लड़ाई लड़कर कितनी लोगों को जिंदा करा चुका और कई हजार लोग अभी जिंदा मुर्दा हैं और उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ा जा रहा है। ये जो पुलिस की रवैया रही है जिंदा मुर्दों के साथ अच्छा नहीं रहा है, तहसील के अधिकारियों का अच्छा व्यवहार नहीं रहा। तो हम लोग सोच रहे हैं कि मुर्दा द्वारा 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए लखनऊ में, आप लोगों को विचार है? हाँ, हम लोगों का एकदम विचार है। और अरोरा साहब डीएम से आए थे। मेरा मानना है कि अब तक कई हजार जीवित मृतक आज भी हैं और इसकी जांच होनी अति आवश्यक है। हेडलाइन टुडे का मैं शुक्रिया अभिनंदन करता हूं, जो मेरी बात और मृतक संघ की बात जनता तक पहुंचाने का अवसर मिला है, उनको धन्यवाद देता हूं। जो भी व्यक्ति जीवित मृतक धोखाधड़ी अन्याय से पीड़ित हो, वो मृतक संघ से संपर्क करें।